हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं प्रगति आज आपके साथ फिर से कनेक्ट हो रही हूँ उत्तराखंड से। तो गाइस, जैसा कि आप हमें देख रहे होंगे कि हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। तो हाँ गाइस, आखिर नैनीताल क्यों जाते हैं और क्या वजह है वहाँ जाने की, आज हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग मंदिर में हैं। तो हाँ गाइस, हम मंदिर में हैं। तो जिस मंदिर में हम अभी हैं उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, मंदिर में दो नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। तो जी हाँ, ये मंदिर वही है जहाँ पे माता के नेत्र गिरे थे और फिर यहाँ पे यह शक्तिपीठ बन गया। तो यह नैनी झील हमारी यही दर्शाती है कि यहाँ माता के नेत्र गिरे थे, इसलिए यहाँ कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके कई भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और यहाँ आएंगे और दर्शन ज़रूर एक बार करेंगे। तो गाइस, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा मैं आपको सब भगवानों के दर्शन करवाऊँगी। तो गाइस, हमारे माता के दर्शन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। जय माता दी। तो गाइस, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरी बहन और हम तीन जने यहाँ आए हुए थे। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग रास्ते में आपको एक स्नैक्स वगैरह खाते हुए हमने आपको दिखाया था। तो गाइस, हमने फिर यहाँ पे टीका एका लगाया, पंडित जी ने हमें टीका वगैरह लगाया और इस तरीके से। तो गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने जो है मंदिर में अपना पूरा दिन इस तरीके से व्यतीत किया। तो गाइस, कहते हैं ना, जब मन में श्रद्धा होती है और जब श्रद्धा होती है तो किसी भी तरह किसी भी रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ आए हैं अपने माता के पास दर्शन करने, जिससे कि अपनी सारी प्रार्थना हम उनसे कहें और अपने दुखों का नाश करें। तो गाइस, एक भक्त जन आता वहीं, एक भक्त जन की आस्था जो होती है अपने भगवान से जुड़ी होती है, और जब भी वो परेशान होता है या दुखी होता है तो वो भगवान को ही याद करता है। आप भी ज़रूर भगवान को ही याद करते होंगे। मेरे सभी जितने भी भक्त जन हैं या जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं मन से, वो हमेशा भगवान को याद करते होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम मंदिर के बैक टू बैक जो हैं दर्शन कर रहे हैं, और मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने दर्शकों को भी दिखाने के लिए मंदिर थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाऊँ। हालांकि वहाँ पे कहीं कहीं पे अलाउड नहीं थी वो चीज़, तो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाई हूँ माता रानी की फ़ोटो, राधा रानी की फ़ोटो, और मैंने आपको विष्णु जी के अवतार भी इसमें दिखाए हैं। तो होप सो आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी आप एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो गाइस, नैनी झील में है तो नैनी झील तो दिखाना बनता ही है। तो ये है हमारी बहुत खूबसूरत नैनी झील, पहाड़ों के बीच में जो इतना अच्छा हमें दिख रहा है बोटिंग करते हुए, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, ये इस तरीके से है और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे आइए और बोटिंग करिए, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और टूरिस्ट वैसे तो यहाँ पे आता रहता है और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे रहती है। तो अभी मैं आपको ऊपर ले जा रही हूँ, आपको विष्णु जी के जो अवतार हुए थे उन सब के दर्शन करवाने के लिए। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर और अब मैं आपको जो है भगवानों के दर्शन कर दिखाती हूँ। तो मेरे पीछे ही सारे भगवानों के दर्शन आपको हो जाएंगे। काफ़ी सारे जो भक्त जन हैं यहाँ बैठे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमारे भगवान आप इनको देख सकते हैं और प्रणाम भी कर सकते हैं। और दस के दस अवतार हैं जो मैंने आपको करीबी से भी ज़रूर दिखाए हैं। तो ये सारे नरसिंह अवतार हैं, वामन अवतार हैं, सारे इसमें दिए गए हैं हमारे। आप देख सकते हैं हमारे राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, बुद्ध अवतार हुए। तो गाइस, वहाँ से अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और लगभग हमने जो है मंदिर में दर्शन कर लिए। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।